गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन एन इंटरवल आई मीन्स इफ द डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन आप इज एग्जिस्ट एट ईच पॉइंट ऑफ आई then the function that could possibly have given function as derivative are called antiderivatives. अगर हमें कोई function given है तो उस function को पता लगाना जिसका वो derivative है ये integration कहलाता है। और वो जो function जिसका वो derivative given function होगा उस function को हम antiderivative या primitive कहेंगे of the given function। और इस प्रोसेस को हम ऑफ फाइंडिंग द एंटी डेरिवेटिव इट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो यहाँ हम दो तरह की प्रॉब्लम्स लेंगे इंटीग्रेशन में, एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स। इंडेफिनेट में जनरली उस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन हो और हमें उस फंक्शन को फाइंड आउट करना जिसका वो डेरिवेटिव है, ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट हुआ। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम फाइंड आउट करते हैं जनरली द एरिया विच इज़ बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन अंडर सर्टेन कंडीशंस। एरिया विच इज़ कवर्ड बाय द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन अंडर द गिवन कंडीशन, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे हमारे डेफिनेट इंटीग्रेशन में। नाउ इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे स्क्वायर रूट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायरिंग, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दे आर द इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। अब यहाँ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन या कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव या कॉस एक्स का प्रिमिटिव क्या है, साइन एक्स। क्योंकि किसी भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव मतलब वो फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करके हमें गिवन फंक्शन मिल जाए। इसी तरह से एक्स क्यूब बाय थ्री का डिफरेंशिएशन होता है एक्स स्क्वायर, सो यू कैन राइट एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब बाय थ्री। डी बाय डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स होता है, तो यू कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स और एंटी डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स इज ई की पावर एक्स। नाउ अगर हम साइन एक्स की जगह साइन एक्स प्लस सी लेंगे तो भी उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स ही आएगा, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स हम साइन एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव यूनिक नहीं होता है, वो डिफर करता है किससे, कॉन्स्टेंट से डिफर करता है। So, if we write d by dx of capital Fx is small fx, तो d by dx of capital Fx plus c भी small fx होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि integration of Fx क्या हो गया, Fx plus c, मतलब it is not a single curve, it is a family of curves which are differs by a constant c। इसे हम symbol क्या use करते हैं हम integration के लिए। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज एफ एक्स, तो वी कैन राइट इन इंटीग्रेशन फॉर्म एज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू वाई। और यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो एक्स इज कॉल्ड द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और ये वो फंक्शन जिसका आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं इसे कहते हैं हम इंटीग्रेंड। नाउ यहाँ हमारे पास अब कुछ फॉर्मूले हैं, एक साइड हमने डेरिवेटिव के फॉर्मूले लिखे हैं, उससे कॉरस्पॉन्डिंग हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बनाए हैं, दैट इज एंटी डेरिवेटिव। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एक्स रेज एन होगा क्योंकि इसका ये तो कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा एन प्लस वन एक्स टू द पावर एन, तो एन प्लस वन कैंसिल होकर एक्स टू द पावर एन आ गया। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसका रिवर्स प्रोसेस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एक्स रेज एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस
कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है हमारे पास कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या आएगा हमारे पास, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो रिवर्स प्रोसेस हो गई, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉसेक एक्स आएगा आपके पास कॉसेक एक्स कॉट एक्स, क्योंकि कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक कॉस एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। अब यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स भी वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और माइनस कॉस इनवर्स एक्स का भी वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये दोनों पॉसिबल हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है। इसी तरह से टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, और माइनस कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन भी सेम होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, टैन इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं और माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। इसी तरह से सेक इनवर्स एक्स और माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स दोनों का डिफरेंशिएशन सेम होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन सेक इनवर्स एक्स भी हो सकता है, और माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन अभी हमने डिस्कस किया था, ई की पावर एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग मॉड एक्स वन बाई एक्स है, सो इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स प्लस सी। एंड दिस इज द लास्ट वन, d by dx of a to the power x divided by log a is equal to a की पावर x आएगा, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x हो जाएगा हमारे पास a की पावर x divided by log a plus c। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, तो आपको इसलिए मैंने कहा था कि आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, अगर डिफरेंशिएशन याद है तो इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं इजिली। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।